तामिया ब्लॉक के गांव मानका देई में सात गर्भवती महिलाओं को जननी एक्सप्रेस का लाभ नहीं मिला और वे अपनी स्वयं साधन से अस्पताल प्रसव कराने गईं। और अस्पताल में प्रसव कराने वाली आया भी प्रत्येक गर्भवती महिला से 200 रुपये लेती है, लेकिन अस्पताल में पेशेंट से 200 रुपये लेने का नियम नहीं है। जब आप गर्भवती थी तो फिर गाड़ी आई थी आपको लेने के लिए? नहीं आई थी, छोटे लड़का के टाइम में भी किराए से गई थी गाड़ी बुलवा के और फिर पहुँचाने पर आई थी गाड़ी। तो आप गाड़ी करके गए थे यहाँ से? हाँ गाड़ी करके गए थे। तो कितने पैसे दिए थे आपने उस टाइम में? तो दो जने थे हम, लड़के टाइम में तो दोनों जने मिल के दिए थे 200 रुपए, पर छोटा लड़का के टाइम में 800 रुपए थे। इस स्थिति में दो गर्भवती महिलाएं रास्ते में प्रसव हो गई थी। 2009 में एक गर्भवती थी, उसने तो उसका टाइम आ गया था, फिर वो गाड़ी बुलवा रहे थे, मतलब तामिया से अस्पताल में गाड़ी बुलवा, गाड़ी वाले ने आए नहीं टाइम पे, तो टाइम आ गया फिर आई गाड़ी, तो फिर उसको ले गए के बीच में लड़का हो गया। फिर उसके बाद वो लड़का 4 साल हो गया, विकलांग मतलब आड़े ही रहता है, बैठता भर है, उठता नहीं है, आड़े ही रहता है, उसके लिए क्या करेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं भी गर्भवती दीदियों के समुदाय से जुड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर गांव की गर्भवती दीदियों को जननी एक्सप्रेस का पूरा लाभ मिले और उनका प्रसव सरकारी अस्पताल में ही हो। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को इस नंबर पर कॉल करें 71 49 27 22 78 या 108 पर कॉल करके मदद मांगें। मैं अनीता, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहट से।